गुरु धर्म स्वर्गारोहण शताब्दी वर्ष महोत्सव शास्त्र विशारद आचार्य भगवंत श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब काशी वाले स्वर्गारोहण शताब्दी वर्ष 1922-2022 महुआ में हुआ महान विभूति का जन्म। समग्र जैन शासन की शान ऐसे शत्रुंजय महातीर्थ के समीप भावनगर जिले में महुआ गांव है। महुआ के इस पवित्र भूमि में धर्मनिष्ठ संस्कार संपन्न पिता श्री रामचंद्र शेठ एवं मातुश्री कमला बहन के परिवार में विक्रम संवत 1924 में एक पुण्यात्मा का जन्म हुआ जिसका नाम मूलचंद रखा गया। उनके दो भाई एवं चार बहनें थी। मूलचंद ही भविष्य में शास्त्र विशारद परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहेब बने। जुगारी बने संयमी। आनंदी स्वभाव के मूलचंद की संगति खराब मित्रों से हुई। उन्हें जुगार की आदत बन गई और जुगार में आगे बढ़ते बढ़ते मूलचंद ने बड़ा नुकसान कर दिया और मूलचंद को सही रास्ते पर लाने के लिए पिताजी ने उन्हें घर से निकाल दिया और चलते चलते मूलचंद 3 दिनों के बाद भावनगर पहुंचे। वहां पवित्र शांत मूर्ति ऐसे परम पूज्य वृत्ति चंद्र महाराज साहिब के प्रवचन की मूलचंद के मन पर जादुई असर हुई और मूलचंद ने महाराज श्री से संयम की याचना की। परम पूज्य वृत्ति चंद्र महाराज साहिब ने परिवार की सम्मति के साथ जेठ वद पांचम विक्रम संवत 1943 में मूलचंद को संयम प्रदान किया। वही मुनिराज भविष्य में शास्त्र विशारद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब बने। अंतर से मिले आशीर्वाद। संयम ग्रहण के बाद मुनि धर्म विजय जी लक्ष्य के साथ अभ्यास एवं व्यायाम कर रहे थे। साथ में जब भी गुरुदेव का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता था तब मुनि धर्म विजय जी दिन रात उनकी सेवा भक्ति करते थे। उनका नियम था कि जब तक गुरुदेव मना न करे तब तक व्यायाम करना। एक रात्रि में धर्म विजय जी गुरुदेव के पैर दबा रहे थे। गुरुदेव को नींद आ गई और वे सो गए। आधी रात को जब गुरुदेव की आंखें खुली तब देखा अभी भी धर्म विजय जी पैर दबा रहे थे और ये देखकर उनके अंतर से आशीर्वाद निकले। जा बेटा तू होगा ज्ञानी, शासन स्तंभ कहलाएगा, इस दुनिया में जैन धर्म का झंडा तू फहराएगा। वही मुनिराज भविष्य में शास्त्र विशारद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब बने। ज्ञानाभ्यास के लिए काशी की ओर प्रयाण। अब मुनि धर्म विजय जी महाराज साहिब को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जगी और शास्त्राभ्यास करने काशी जाने का मन हुआ। काशी पहुंचना बड़ा मुश्किल था, फिर भी सूखे चने खाकर भी विहार जारी रखा। काशी पहुंचे तो जैनों के द्वेषी ऐसे काशी के ब्राह्मणों ने पूज्य श्री का बहुत विरोध किया। यहाँ तक कि टोकरी भर भर कर मछलियाँ डाली कि अहिंसक साधु हिंसक विरोध से वापस चले जाएंगे। मगर सिंह जैसे सत्व वाले धर्म विजय जी महाराज साहिब ने फुटपाथ पर प्रवचन देकर लोक हृदय में स्थान प्राप्त किया और वैशाख सुदी तीज विक्रम संवत 1959 के दिन काशी में प्रवेश किया। काशी में जैन समाज के लिए श्री यशो विजय जी संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की। वही मुनिराज भविष्य में शास्त्र विशारद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब बने। जोधपुर में जैन साहित्य सम्मेलन। पूज्य श्री के निश्रा में विक्रम संवत 1970 में त्रिदिवसीय भव्य जैन साहित्य सम्मेलन का आयोजन जोधपुर में हुआ था। इसमें पूज्य श्री हर रोज विविध विषयों पर प्रवचन करते थे। पूज्य श्री के प्रवचनों से प्रभावित होकर जोधपुर के राजा महाराणा फतेह सिंह जी ने यह आयोजन का संपूर्ण खर्च किया था। प्रतिदिन प्रायः 10,000 जितने विद्वान पूज्य श्री का प्रवचन सुनते थे। यह सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर हरमन जैकोबी भी आए थे और पूज्य श्री से प्रभावित हुए थे। वही मुनिराज भविष्य में शास्त्र विशारद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब बने। शास्त्र विशारद का बिरुद प्राप्त हुआ। पूज्य श्री बनारस से सम्मित शिखर जी कलकत्ता की यात्रा करते विक्रम संवत 1964 में पुनः काशी पधारे।
तब स्वयं काशी नरेश ने पूज श्री का भव्य सामैया किया और नगर प्रवेश करवाया। काशी नरेश ने काशी, मिथिला, नंदिया, कलकत्ता जैसे अनेक स्थानों से अनेक विद्वान धुरंधर पंडितों को बुलाकर भव्य समारोह करके पूज श्री को शास्त्र विशारद जैन आचार्य की मानद पदवी अर्पण की। काशी जैसी विद्या नगरी में काशी नरेश के कर कमलों से ऐसा अभूतपूर्व पद प्रदान समारोह एक ऐतिहासिक घटना थी। वही मुनिराज भविष्य में शास्त्र विशारद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब बने। सर्व धर्म परिषद में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व पूज्य श्री ने विक्रम संवत 1965 में कलकत्ता में सर्व धर्म परिषद कन्वेंशन ऑफ रिलीजन्स ऑफ इंडिया के अधिवेशन में जैन तत्व विषय पर अपने विचार लिखकर भिजवाए थे और विक्रम संवत 1966 में तो इलाहाबाद में दूसरे अधिवेशन का आयोजन हुआ, तब स्वयं अपने शिष्यों के साथ जाकर जैन शिक्षा पर अनोखा प्रकाश डाला। पूज्य श्री के पास विशाल ज्ञान के साथ वक्तृत्व शक्ति भी अनोखी थी। इससे प्रभावित होकर दरभंगा के महाराजा ने पूज्य श्री की विद्वत्ता की बहुत प्रशंसा की। ऐसे महान शासन प्रभावक परम पूज्य जैन आचार्य श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। पूज्य श्री की साहित्य प्रसादी पूज्य श्री सामर्थ्य व्याख्याता के साथ कलम के जादूगर भी थे। पूज्य श्री ने सबसे महत्व का कार्य प्राचीन हस्तप्रतों को संशोधित करके पुनः संपादन करने का किया है। साथ में जैन शासन सामायिक में धर्म देशना नाम की लेखमाला, अहिंसा दिग्दर्शन, जैन तत्व दिग्दर्शन, जैन शिक्षा दिग्दर्शन, पुरुषार्थ दिग्दर्शन, आत्मोन्नति दिग्दर्शन, इंद्रिय पराजय दिग्दर्शन, ब्रह्मचर्य दिग्दर्शन, प्राचीन लेखन संग्रह, प्रश्नोत्तर संग्रह, धर्म प्रवचन, देवकुल पाठक जैसे प्रायः 100 से अधिक ग्रंथों का सर्जन पूज्य श्री के हाथों से हुआ है। ऐसे महान शासन प्रभावक परम पूज्य जैन आचार्य श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। पूज्य श्री की प्रेरणा से हुए विशेष कार्य। पूज्य श्री की प्रेरणा से अपनी मातृभूमि महुआ में पुस्तकालय एवं बालाश्रम की स्थापना, कर्म भूमि काशी में श्री यशो विजय जी जैन पाठशाला एवं पुस्तकालय की स्थापना, आबू तीर्थ की आशातना बंद करवाई, उपरियाला तीर्थ का जीर्णोद्धार, वीरम गाम, भिवंडी, शिवगज जैसे अनेक स्थानों पर पाठशाला एवं पुस्तकालय की स्थापना, उदयपुर, जोधपुर, कलकत्ता, जामनगर, काशी में पशु बलि, कबूतर हिंसा पर प्रतिबंध करवाया, जोधपुर नरेश को मांसाहार त्याग करवाया, मुंबई में स्वयं सेवक मंडल एवं शिवपुरी मध्य प्रदेश में वीर तत्व प्रकाशक मंडल की स्थापना जैसे अनेक विध कार्य करवाए। ऐसे महान शासन प्रभावक परम पूज्य जैन आचार्य श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। शिवपुरी से सिद्धि गति की ओर प्रयाण। भादरवा सुदी 14 विक्रम संवत 1978 के 3 दिन पहले पूज्य श्री अपने अंतिम समय के लिए जागृत हो गए थे। 3 दिन का अनशन ध्यान साधना करके पद्मासन मुद्रा में अपने शिष्य समुदाय, अपने गुरु भक्त एवं श्री संघ की उपस्थिति में पूज्य श्री ने अद्भुत समाधि पूर्वक अपना देह त्याग किया। ऐसे शोकग्रस्त समाचार से देश विदेश के विद्वान स्तब्ध हो गए थे और शोक संदेश इतने ज्यादा आए कि लेटर्स टू इंद्रसूरी नाम की पुस्तक बन गई। लंदन टाइम्स दैनिक ने पहले पेज पर लिखा था, डेथ ऑफ अ ग्रेट जैन लीडर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी पूज्य श्री के जीवन यात्रा की किताब प्रकाशित की थी। शिवपुरी के जिस भूमि पर पूज्य श्री का अग्नि संस्कार हुआ, वह जगह पूज्य गुरुदेव के परम भक्त ग्वालियर के महाराजा सिंधिया ने श्री संघ को सौगात में दी थी, उस जगह पर आज भी गुरुदेव का समाधि मंदिर है। ऐसे महान शासन प्रभावक परम पूज्य जैन आचार्य श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। पूज्य श्री की विहार यात्रा एवं प्रभावकता। पूज्य श्री ने अध्यापन के साथ अनेक विद क्षेत्रों में विचरण करके वहाँ के लोगों को भी जागरूक किया है। जैसे कि पूज्य श्री ने गुजरात, काशी, सम्मेत शिखर, कलकत्ता, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी अनेक विहार यात्रा के साथ यशस्वी चातुर्मास भी किए हैं। उनके प्रवचन, आचार विचार से लाखों देश विदेश के विद्वान गुरु भक्त प्रभावित हुए थे। ऐसे महान शासन प्रभावक परम पूज्य जैन आचार्य श्रीमद विजय धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। विद्धता से दीप्ता हुआ शिष्य वृंद। पूज्य धर्म सुरेश जी महाराज साहिब का शिष्य वृंद भी विद्धता से भरपूर था।
पूज्य श्री ने तत्वज्ञान, इतिहास, साहित्य, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष आदि अनेक विषयों का गुड़ गहन अभ्यास अपने शिष्य वृंद को करवाया था, जिसमें श्रीमद विजयेंद्र सूरी जी महाराज साहिब इतिहास वेत्ता थे। मंगल विजय जी महाराज साहिब ने आरहत दर्शन दीपिका की रचना की थी। श्री भक्ति सूरी जी महाराज साहिब ने तप त्याग के क्षेत्र में सुवास फैलाई थी। विद्या विजय जी महाराज साहिब और न्याय विजय जी महाराज साहिब के पास वक्तृत्व शक्ति अनोखी थी। पूज्य श्री के ऐसी विद्वता से भरपूर 85 से ज्यादा शिष्य प्रशिष्य हुए। ऐसे महान शासन प्रभावक परम पूज्य जैन आचार्य श्रीमद विजय धर्मसुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य धर्मसुरेश्वर जी महाराज साहिब के देश विदेश के गुरु भक्त शेठ वीरचंद दीपचंद और शेठ गोकुल भाई मूलचंद काशी विद्यापीठ के लिए दान दिया। महाराजा सर प्रभु नारायण सिंह जी काशीपति, जिसने शास्त्र विशारद जैन आचार्य का बिरुद दिया। शेठ लक्ष्मीचंद वैद आगरा में गुरुदेव की प्रेरणा से शिखरबंधी जिनालय, उपाश्रय एवं पुस्तकालय की स्थापना। श्री टेसिटोरी इटली महुआ में मिले। डॉक्टर थॉमस एवं मिस्टर केल्विन की सहाय से आबू की आशाधना का निवारण। श्री फतेह सिंह जी साहिब बहादुर उदयपुर मांसाहार का त्याग किया। श्री चीमनलाल गिरधरलाल मेहता पालीतना योग उपध्यान करवाया। डॉक्टर लेवी फेन शिवपुरी में पढ़ने आए। महुआ में मजिस्ट्रेट पारसी सज्जन श्री अर्देशर सोनावाला प्रभावित हुए। डॉक्टर हरमन जैकोबी पूज्य श्री से अत्यंत प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकारा। ऐसे महान शासन प्रभावक परम पूज्य जैन आचार्य श्रीमद विजय धर्मसुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। शिवपुरी मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर शास्त्र विशारद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्मसुरेश्वर जी महाराज साहिब के स्वर्गारोहण शताब्दी वर्ष निमित्त एवं परम पूज्य तपागच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहिब की 6वीं वार्षिक पुण्यतिथि निमित्त 11 दिवसीय विशेष एकादशान हिका महोत्सव का आयोजन हुआ है।